नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि मैडम हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है, पैसे पास में नहीं टिकते, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ? अगर कर रहे हैं तो आप तुरंत इसे रिमूव करें, आप देखेंगे पैसों में आपको राहत मिल जाएगी। जहां पर भी आप धन रखते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं घर में, वहां स्वच्छता रखें। जैसे तिजोरी में आप धन रख रहे हैं, तिजोरी में कभी भी पीरियड्स के कपड़े ना रखें, गंदे उतरे हुए कपड़े ना रखें, हमेशा धुले साफ प्रेस टाइट कपड़े ही रखें। प्रेस टाइट ना भी हो तो धुले हुए साफ कपड़े ही आप तिजोरी में रखें। तिजोरी में उतरे हुए कपड़े ना रखें, कोशिश करें तिजोरी में किसी दूसरे के कपड़े ना रखें। आप जैसे लोगों की चीजें अपने घर में रखते हैं, उस टाइप की वाइब्स आपके घर में आने लग जाती है। जहां भी धन स्थान है, वहां पर जहां भी आप पैसा रखते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज ना रखें, सिवाय पूजा पाठ की चीजों के, या किसी अच्छे व्यक्ति ने, साधु संत ने भी कभी आपको कोई चीज दी हो तो आप उसे रखें। कोई भी चीला चालू लोगों की चीज धन स्थान में ना रखें, कोई भी गंदगी ना करें। धन स्थान में नुकीली चीजें कभी ना रखें, ये आपके धन को हटती है। पर्स में दोस्तों कभी भी कोई भी ऐसे, जैसे आपने देखा कभी लाइट का बिल रख दिया, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया, अगर रखते भी हैं तो किसी दूसरे साइड में रखें। जी पर्स में जिस तरफ आप पैसे रख रहे हैं, नोट रख रहे हैं, वहां कोई भी दूसरी गंदी चीजें ना रखें, या यूजलेस चीजें पर्स के अंदर भी ना रखें। कोई भी नशे की चीजें ना रखें, पर्स को हमेशा स्वच्छ। पर्स में हमेशा एक कमल गट्टे का बीज और कपूर जरूर रखें, यह आपके धन की वृद्धि करता है। तिजोरी में अगर आप धन रख रहे हैं, तिजोरी में चंदन की अगरबत्ती जरूर रखें, कपूर की गोटी रखें, इससे धन में वृद्धि होती है। पर्स में हमेशा गुलाब का इत्र छिड़कते रहें, कभी धन की कमी नहीं। कभी हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे से भूलें धन को हमसे दूर कर देती है, लक्ष्मी को हमसे दूर कर देती है। कई जगह मैंने देखा है, नोट को इस तरीके से रख देते हैं, कहीं तकिया के नीचे दबा दिया, कहीं पलंग के नीचे दबा दिया, कहीं गंदे संदे कपड़ों में डब्बे के अंदर मोड़ माड़ करके डाल दिया। ये लक्ष्मी है, इसे हमेशा स्वच्छ जगह में रखें। जहाँ भी धन रखते हैं, कोशिश करें वहाँ लाल, हरा या पीले कलर का कपड़ा रखें, या इन्हीं कलर से जुड़ी हुई चीजों को रखें, इससे धन में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। पैसों को कभी भी यहाँ वहाँ ना फेंकें। जहाँ भी धन रखते हैं वहाँ धूप हमेशा करते हैं, आप देखेंगे कभी घर में पैसों की कमी नहीं। और अपने कर्म भी अच्छे रखें। कभी व्यक्ति उपाय तो बहुत करता है लेकिन कर्म अच्छे नहीं करता, तो उसका भी हमें परिणाम होगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान जरूर रखें। जय श्री कृष्ण।